गुड़गांव में लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मैं अपनी फॉर्च्यूनर को ठीक कराने आया हुआ था, तो यहाँ पे दो दिन लगेंगे इसको ठीक होने में क्योंकि इंश्योरेंस में दी है ना और आगे का पूरा चेंज होगा। तो अब दो दिन मैं यहीं पे हूँ गुड़गांव दिल्ली में और कुछ काम वगैरह कर लेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, एक ड्रोन लेना आज मुझे ड्रोन मिल जाएगा, ड्रोन भी मेरा टूट गया था तो न्यू ड्रोन मिल जाएगा। और आज का हमारा प्लान है एक मस्ती जगह पे जाने का ऑफ रोडिंग के लिए, अज्जू भाई लेके जाएंगे तो एलविश भाई भी आ गए बाहर खड़े हैं सारे के सारे। और आज के ब्लॉग में मैंने दिखाया ना मैं अज्जू भाई घर पे आया हूँ तो बाहर काफी भीड़ लग गई है बच्चों की, उनको चल के पता कि मैं यहाँ पे हूँ तो अब उनसे भी मिलना है, सुबह से भीड़ लगी हुई है मैं तो लेट उठा था ना। तो अब चलते हैं बाहर, कैसे खुलता है ये, कैसे खुलता है, खुल गया। हेलो फोटो खिंचवाना एक बार मुझसे खिंचवानी है क्या, धक्का मुक्की नहीं करने का भाई। तो अभी गाइस सारे बच्चे तो गए, फोटो सबके हाथ में ले लिया और ये देखो मेरे को भी ये वाला ड्रोन लेना था, ये बेस्ट ड्रोन है लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें इसको लगाना पड़ता है, इसको मुंह पे लगाना पड़ता है और फिर इससे उड़ाना पड़ता है इस तरह से करके, और ऊपर से मेरे पास चश्मा है, चश्मा डाल के तो बिल्कुल भी डाल सकता हूँ। और पता है ये सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं घूमता, ये ऐसे भी घूमता है पूरा ऐसे। तो अभी एल्विश भाई भी आ गए हैं तो आप जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, आ जाओ ना यार, ऐसे खड़े रहोगे देखोगे हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो गाइस खाने में मस्त आलू पूरी एंड ये लस्सी, फिलहाल खाना खा के आ गए और क्या मस्त आलू पूरी थी, मजा आ गया। और अभी फिलहाल निकलते हैं फॉर्च्यूनर लेके, ये भाई का घर है पूरा, दो फॉर्च्यूनर जा रही है, मेरे को अपनी वाले की बहुत याद आ रही है। पापा जी मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सारी गाड़ियां खड़ी हैं और ये है पूरा ट्रैक इनको चलाने के लिए, पहले मैं आपको ट्रैक ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे गाड़ी, देखो यहाँ पे निशान दिख जाएंगे आपको, तो मजा आने वाला है बिकॉज ये वाली गाड़ी मैंने कभी नहीं चलाई है, फर्स्ट टाइम चलाऊंगा। और यहाँ पे कूदाएंगे सीधा, करना क्या है ब्रेक कौन सा, ये एक ही है ब्रेक भाई, तेज भाग रही बहुत तेज। तो भी गाइस एक चक्कर हो चुका है, ऐसे तीन चक्कर होंगे, इसका हैंडल बहुत ज्यादा टाइट है इसलिए मैं आराम से लानी पड़ रही है क्योंकि अपने आप भाग रही है एक जगह पे। वीडियो में देखने में इजी लग रहा होगा बट काफी मुश्किल है भाई, आराम से भाई, मेरे पीछे जगह नहीं है, गिर जाऊंगा मैं। तो अभी शुभम और मैं बैठ गए एक ही में ही, तो अभी ऑफ रोडिंग हो गई है, अब जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड में, इनका एक ग्राउंड भी है, मेन प्रॉपर ग्राउंड है क्रिकेट खेलने के लिए। वही कैसे खेल रहे हैं? अरे हैं कितने लोग, 10 हैं। हाँ एक खेलो, सारे फील्डिंग करो। इस तरह के ग्राउंड में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ खेलने के लिए, और देखो कितनी मस्त घास है यहाँ पे प्रॉपर, और लाइट्स भी लगे यहाँ पे, देखो ये लाइट्स है, ये लाइट्स हैं, तो रात को भी खेल सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ बिल्कुल बीच में, और काफी बड़ा ग्राउंड है ये, तो यहीं पे खेलेंगे अभी क्रिकेट। और मुझे साइड में आके व्लॉग करना पड़ रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तो जब कोई शोर करता है ना मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, पता है। तो ये है आज की पिच, चलो खेलते हैं, इनको साइड कर दे, इनको बॉल ना लग जाए कहीं, कृपया करके ग्राउंड से उधर चले जाओ। भाई कैसे खेल रहे हैं? तो अभी गाइस रूल हमने बना दिए हैं, रूल ये है कि हर कोई अलग अलग खेलेगा और सभी फील्डिंग करेंगे और दो ओवर का मैच है सिर्फ, और ये हमारी विकेट है और ये ग्राउंड है और ये सभी हमारे प्लेयर्स हैं, टोटल 10 प्लेयर्स हैं, सभी फील्डिंग करेंगे, बस एक खेलेगा बाकी सब फील्डिंग करेंगे, तो मजा आने वाला है आज। बाकी साहिल और पीयूष होते तो और मजा आता, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। लाइफ में कभी भी नहीं खेला यार इससे, सच्ची बता रहा हूँ, हम तो पत्थर रख के खेलते थे भाई, पत्थर के बीच से गई तो आउट, इस तरह से गुल्ली गाड़ के तो कभी खेला ही नहीं हमने, पत्थर रख के खेला हमेशा या फिर ईंट रख के खेला है। तो पिच को ठीक करने के लिए यहाँ पे रोलर चलाए जा रहे हैं, मेरा खोपड़ा बच गया, पिच बिल्कुल सही हो गया इधर उधर से जहाँ पे रोलर आया, अभी इधर भी करेंगे आई थिंक, ऐसा लग रहा है प्रिंट हो रहा है, लग रही है प्रिंट हो रहा है। तो अभी बॉल भी आ गई है एंड बैट भी आ गया, आते ही देख लो पापा जी ने ले लिया, यो किसका भाई, चलो फर्स्ट बैटिंग मेरी आ गई। तो गाइस पहली बैटिंग मेरी है और सब अलग अलग हैं, सब फील्डिंग करेंगे, मैं बैटिंग करूंगा, देखते हैं कितने रन बना पाता हूँ, बाउंड्री काफी दूर है, काफी बड़ा ग्राउंड है, फर्स्ट टाइम इतने बड़े ग्राउंड पे खेल रहा हूँ, सबसे मेन तो विकेट रियल है। पहली बॉल और मिस हो गई, और ये शानदार शॉट के साथ चौका, दो रन ले लिए सौरभ ने भाग के, और एक कैच आउट, अब पापा जी खेलेंगे।
तो फिलहाल मैं बॉलिंग करूंगा, एल्विश भाई की बैटिंग है और उनको आउट करना है। कैच कैच कैच, अबे पकड़ लो भाई। अरे यार कैच ही नहीं कर रहे। मैं फेंकूंगा। अरे मैं फेंकूंगा। ये बॉलिंग के लड़ रहे हैं, मैं जाता हूँ उधर। अब कैच का वेट करूंगा मैं तो फील्डिंग करते हुए बस एक चीज का प्रे करता हूँ कि मेरे पास कैच आ जाए। भाई मेरे को तो ये चीज देख के खुशी हो रही है, पापा जी बॉलिंग करा रहे हैं। पापा जी खेल रहे हैं भाई, पापा जी बॉलिंग कराते हुए। तो अभी क्रिकेट हो गया है और सभी जीत गए, लेकिन खेलने में काफी मजा आया। तो अभी क्रिकेट के बाद ब्रेक लिया हमने, समोसे मंगाए यहाँ पे, साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं घर पे, मेरा ड्रोन आ चुका है। तो अभी गाइस फाइनली हमारा ड्रोन आ चुका है, जो कि है DJI Air 2S। तो थैंक यू अज्जू भाई। अरे भाई तो चलो अब सबके साथ में इसको अनबॉक्स करते हैं। तो पहले मेरे पास था मैविक मिनी, जो कि टूट गया था पेड़ में लग के, लेकिन अब मैंने बड़ा वाला ड्रोन ले लिया है। तो अभी इसको उड़ाते हैं, अभी बैटरी चार्ज हो रही है, उसके बाद देखते हैं कैसी क्वालिटी है। ये तो काफ़ी ऊपर तक जाता है, वो तो सिर्फ 30 मीटर जाता था, ये 500-600 मीटर जाता है। तो पहाड़ों में मजा आएगा जब ट्रैवल करेंगे ना। तो फाइनली हमारा ड्रोन उड़ चुका है, ये काफी ऊपर जा रहा है भाई, पूरा शहर दिख रहा है इसमें तो। Just pulled up to the house, don't feel like an hour, I'ma just lay back and crack this window. भाई को परेशान कर दिया, बार बार सब्सक्राइबर मिलने के लिए आ रहे हैं घर पे इनके। कोई नहीं भाई। तो भी कुछ और बच्चे आ गए हैं, कौन आया पैदल? ये आया पैदल घर से। तो पैदल आए हो आप? पैदल क्यों आए हो? हम ऐसे। किससे मिलने आए हो? ये आपसे मिला, गोदी में नहीं लिया था इसलिए। आजा, ले लिया गोदी में। खुश हो सब? खुश हो? तो अभी बाहर सभी मस्त चिल कर रहे हैं, मैं आगे अंदर बिकॉज एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी 2 दिन से मैं हरियाणा में हूँ और इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ पे अज्जू भाई लोगों के साथ। वैसे आपको पता होगा मेरे यूजुअली फ्रेंड नहीं है, मैं किसी के साथ में जाता नहीं चिल करने के लिए, बस फैमिली के साथ में रहता हूँ या फिर गेम ऑफ इंडिया के साथ में। तो मतलब काफी अच्छा लग रहा है सबके साथ में बातें करके, यूट्यूबर्स भी हैं। तो गाइस अभी रात के 12 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आज आपने देखा हम ऑफ रोडिंग के लिए गए थे और वो बाइक मैंने फर्स्ट टाइम चलाई, और उसके बाद क्रिकेट खेलने गए थे हम ना। दिल्ली नहीं जा रहे कहीं भीड़ वाली जगह, बिकॉज कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और गाड़ी भी अभी तक हमारी ठीक नहीं हुई है, शायद वो कल भी नहीं होगी, शायद वो परसों तक ठीक होगी, तब तक हमको यहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे सही है, सेफ भी है और ज़्यादा भीड़ में भी नहीं जा रहे हम कहीं पे, और खाना भी घर में ही खा रहे हैं तो सही है। देखते हैं कब तक हमारी गाड़ी ठीक होती है, और कल भी शायद चलेंगे कहीं आसपास, ड्रोन आ गया, ड्रोन उड़ाएंगे कल कहीं मस्ती जगह पे जाके। तो बस फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे अज्जू भाई के साथ में, डिनर वगैरह हमने कर लिया है। तो व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एक बार खड़े हो जाओ, सारे फोन किसके से, सारे फोन दे दो अपने अपने, जिससे व्यक्ति की बात हो सके साइड में हो जाए। लो 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 तुम्हें उम्मीद कर रहा है। When it gets hard, I stay on my job, like no days off, so you can go home.